तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एच के ऑफिशियल यस बहुत दिनों के बाद आई एम देयर विद यू विद इंजीनियरिंग केमिस्ट्री यूनिट नंबर वन एंड एज जैसे मैंने आपको बोला था कि हम ज्यादा ज़्यादा नहीं भागेंगे जैसे वन शॉट्स में मैंने लिया था वैसे उसमें भी मैं भागे नहीं थे हमने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था बट जस्ट नॉट टेकिंग द पर्टिकुलर यूनिट इन वन शॉट टिल वी हैव अ टाइम इन इन सम पेपर तो हम जो है एक या दो लेक्चर में कवर करेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा तीन लेक्चर्स हो जाएंगे ठीक है तो ये जो यूनिट नंबर वन है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का वो है हमारा वाटर टेक्नोलॉजी जिसमें हम वाटर के बारे में उसके इंप्योरिटी उसकी अलग अलग जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है ना उनके बारे में पढ़ेंगे एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सीखेंगे ठीक है तो आई होप आप लोगों ने अभी तक बहुत अच्छे से अपना रेस्ट वगैरह कर लिया होगा और मैं भी वीडियो ले बहुत दिनों में आई हूँ ताकि आपको भी एक बैक ऑफ माइंड एक अच्छा रेस्ट मिल जाए एंड फिर अब हम एक न्यू फ्रेशनेस के साथ अपना सेम टू की जो है ना स्टार्टिंग कर पाए तो आई होप कि आपने कुछ ना कुछ तो स्टार्ट कर ली कर ही लिया होगा एंड आई होप कि आप इस वीडियो से बहुत ज़्यादा सीखेंगे एंड येस अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो

डनेस ऑफ वाटर जो है ये भी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हार्डनेस पढ़ेंगे कौन सी कौनसी टाइप होते हैं उसके देन जो हार्डनेस है इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं तो हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे फॉर्मूलाज में आपको बताऊंगी एंड बहुत ईजिली बिलीव मी आप ये चैप्टर जितना मैं पढ़ाऊंगी ना इतनी थेरी आप लर्न करके उठोगे इस वीडियो के बाद ठीक है चलो इसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस बाई टी ए ये भी एक जो है टॉपिक आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर एग्जाम में ठीक है तो उसका भी हम देखें एंड देन उसके ऊपर भी बेस्ड जो, जो न्यूमेरिकल्स है मैं सोच रही थी कि न्यूमेरिकल्स की जो है वीडियो वो सेपरेट कर दू लेकिन फिर मतलब मैंने सोचा कि चलो इसी में आ, थेरी भी कर लेंगे वही कॉन्सेप्ट पढ़ के उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ज़्यादा हमारे ध्यान में रहेगा ठीक है तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अभी मैंने आपको बता दिया ओवरऑल हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड एज यूजल मैंने बेसिक्स अपने जो है ना नोट्स हैंड रिटर नोट्स यूज करे हैं एंड बिलीव मी बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये एंड येस अगेन आई विल से कि अगर आपको चाहिए तो आप मेंबरशिप ले लीजिए उसमें आपको पर्टिकुलर हर जो मेरी वीडियो है उसके नोट्स मिल जाएंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे कि मैंने बोला इस यूनिट का नाम है वाटर टेक्नोलॉजी एंड एज वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री के अंदर हमें जो है कुछ रिएक्शंस भी पढ़ने पड़ेंगे कुछ ना कुछ जो है केमिस्ट्री रिलेटेड चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी तो पहले तो बहुत बेसिक है बिलीव मी बहुत ईजी है जो कि इम्प्योरिटीज़ इन वाटर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है तो इसके अंदर हमें आ जाते हैं देर आर फोर टाइप्स ऑफ वाटर इम्प्योर

को अपने ग्लास में लेके थोड़ी देर अगर उसको सेटल करने के लिए रख देंगे तो सारे जो या जो या भी है, वो एकदम नीचे जो है न, लेयर बना लेगा ठीक तो है simple settlement method हम इसको बोल सकते हैं। और अगर हमें डायरेक्टली है हमें उसका settlement method करने का, तो हम क्या कर लेते हैं सिंपली हम फिल्टर कर लेते हैं एंड ईजिल हमारे जो सस्पेंडेड इंप्योरिटीज है वो रिमूव हो जाती है तो ये होता है फर्स्ट सस्पेंडेड मेथड आई होप आपको ईजिली समझ में आ गया होगा ये फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप होता है impurities तो कोलाइडल इंप्योरिटीज में क्या होता है फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर ठीक है तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या होता है बेसिकली आप वो समझो पहले तो ऑर्गेनिक मैटर जो है रेफर्स टू सब्सटेंस दैट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो भी सब्सटेंस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है एंड दे आर लाइक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही डिराइव होते हैं और वी कैन से बाई देआर बाय प्रोडक्ट्स तो वो होता है ऑर्गेनिक मैटर ठीक है तो हम इसके अंदर कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं प्रोटीन्स लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड्स ये सारी जो आ, मतलब चीज़ें हैं ये ऑर्गेनिक मैटर के अंदर इंक्लूडेड होती हैं उसके बाद इनऑर्गेनिक मैटर जो होता है एकदम अपोजिट आपको समझना है इट इज़ द मैटर विच लैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है एंड इट इज जनरली डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ इन ऑर्गेनिक कंपाउंडस के तो इट इंक्लूड्स मिनरल्स सॉल्टस हो सकता है फिर मेटल्स हो सकते हैं एंड तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं जो कि जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है ठीक है तो आई होप आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का तो जो डिफरेंस है वो तो समझ में आ गया होगा ठीक है तो ये आपको इसके अंदर याद रखना है तो आप याद करते चलो मैंने सस्पेंडेड में आपको क्या बताया था आपको क्या याद रखना है सस्पेंडेड में सॉइल्स सैंड ऑर्गेनिक वेस्ट ठीक है कोलाइडल इंप्योरिटीज में आपको याद रखना है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर ठीक है अब यहाँ पर देखो साइज ऑफ पार्टिकल साइज इज टेन टू वन थाउजेंड यानी कि अब जो है ये पार्टिकल्स का साइज जो है वन थाउजेंड से ज़्यादा नहीं होगा ठीक है इट इज़ लेस देन वन थाउजेंड बट ग्रेटर देन टेन एम तो ठीक है आपको ये वाली रेंज याद रखनी है इसका मतलब सस्पेंडेड इंप्योरिटीज से छोटी कोलोइडल इंप्योरिटीज होती हैं ठीक है एंड दीज पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज ओके चलो कोलाइडल इम्प्योरिटीज आर इनविजिबल पार्टिकल्स अब जो है 1000 थाउजेंड एमस्ट्रॉन्ग से नीचे अगर उनका साइज हो गया है तो दे आर वेरी टाइनी एंड वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आईज ठीक है तो तो इट इज इनविजिबल पार्टिकल्स अगेन अगर ये इंप्योरिटी है वी हैव टू रिमूव इट तो रिमूवल मेथड में क्या आ जाएगा दे आर सेपरेटेड बाय को एग्युलेशन और सेडिमेंटेशन मेथड ठीक है तो को एगुलेशन और सेडिमेंटेशन मेथड से हम कोलाइडल इंप्योरिटीज को निकाल सकते हैं को एगुलेशन में क्या होता है कुछ केमिकल्स का यूज होता है जैसे हम को कहते हैं 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 ठीक ठीक है 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 हम uh, अगर example देखें, तो 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 मैंने आगे लिखा हुआ है, ये ये है, तो ये वाले जो है, coagulants होते हैं, जो होते होते कि हमारे coagulation method के अंदर यूज होते हैं, बाकी sedimentation method, तो आपको बस ये दो याद रखना है अगेन रिवाइज करें तो सस्पेंडेड इंप्योरिटीज का रिमूवल मेथड क्या था तो सिंपल फिल्ट्रेशन और सेटलमेंट मेथड था और कोलर्डल इंप्योरिटीज uh, में जो रिमूवल मेथड है वो क्या है coagulation और सेडिमेंटेशन मेथड ठीक है तो आई होप आपको समझा होगा

मत जाओगे कि कुछ ना कुछ माइक्रोब्स अगर हमारे वाटर में प्रेजेंट है देन दे दैट इंप्योरिटी इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल इंप्योरिटी ठीक है जिसमें लाइक like, इंप्योरिटीज़ में क्या आ जाएंगे इंक्लूडेड बैक्टीरिया अलगी फनजाए एंड अदर स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स ठीक है तो ये सब माइक्रोब्स जो है आप इधर मेंशन कर देंगे अब इसके बाद इसका रिमूवल मेथड क्या होगा तो इसके रिमूवल के लिए हमें फिल्ट्रेशन एंड स्टेरिलाइजेशन बाय यूजिंग केमिकल्स लाइक क्लोरिन एंड ब्लीचिंग पाउडर यानी कि हमें हाई लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा तभी जाके ये जो माइक्रोबियल या फिर बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज़ है ये सेपरेट हो पाएंगी ठीक है तो यहाँ पर आपको रिमूवल मेथड में क्या याद रखना है फिल्ट्रेशन एंड स्टेरिलाइजेशन

जो है हम पूरा यूनिट पढ़ने वाले हैं दैट इज हार्डनेस ऑफ वाटर तो हार्डनेस बेसिकली होता क्या है अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो

आ जाए या फिर कोई पूछ ले सोप क्या होता है अगर उसको आपको डिफाइन करना है तो आप कैसे करोगे सोप केमिकली इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ठीक है फैटी एसिड के जो सोडियम सॉल्ट्स होते हैं वो हमारा जो है सोप होता है ठीक है तो ये है डेफिनेशन तो ये आप याद रख सकते हो एंड जैसे मैंने आपको बताया था सिंपली uh, अगर मैं आपको और बताऊं uh, हार्ड वाटर के बारे में या फिर हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में यस yes, हार्डनेस अगर उसके अंदर सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी जो है बहुत हाई हो चुकी है तो वो हार्ड वाटर कहलाता है एंड ये yes, अगर हम उसके ऊपर और ज्यादा ज़्यादा अगर सोप अप्लाई करेंगे तो इट डजेंट वर्क वेल इन हार्ड वाटर ठीक है और जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर कौन से मिनरल्स होते हैं रिमेंबर ये इंपॉर्टेंट है दो मिनरल्स होते हैं देट इज़ कैल्शियम एंड मैग्नेशियम ठीक है तो आपको ये याद रखना है ये दो मिनरल्स दैट हार्ड वाटर हैज़ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड मैगनीशियम हम टाइप्स के ऊपर आ जाते हैं हार्डनेस की इज टेम्पररी हार्डनेस एंड हार्डनेस तो टेम्पररी हार्डनेस को हम कार्बोनेट हार्डनेस और अल्कालाइन हार्डनेस भी बोलते हैं एज यूजल तो टेम्पररी हार्डनेस को uh, मतलब हम कैसे रिमूव कर पाते हैं सो so, टेम्पररी ये जो बेसिक डिफरेंस है ना टेम्पररी और परमानें हार्डनेस का यह बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एवरीवेयर इन डिफरेंस एंड शॉट नोट ऑल्सो यू हैव टू मैं दिस एज इट इज इंपॉर्टेंट तो टेम्पररी हार्ड टेम्पररी हार्डनेस जो है इसको आप बॉईल करके रिमूव कर सकते हो दैट इज़ uh, ये लाइक हार्डनेस रिमूव हो जाएगी एंड सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा हमें हार्ड वाटर से एंड जो ये परमानेंट हार्डनेस है इसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं लाइक सोडा लाइम प्रोसेस होता है ठीक है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो ये प्रोसेस हमें करना पड़ता है एंड देन ओनली ये रिमूव होता है सो विध बॉइलिंग ये रिमूव नहीं हो सकता क्या परमानेंट हार्डनेस तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस का तो इसको जो है हम एकदम अच्छे से पढ़ते हैं अब कि टेम्पररी हार्ड हार्डनेस में एक्जैक्टली exactly होता क्या है ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास है हर्नर्स मेथड ठीक है टेम्पररी हार्डनेस को हर्नर्स मेथड भी बोला जाता है तो पहले तो हम थेरी पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है फर्स्ट पॉइंट में लिखा है वेन वाटर कंटेनिंग कैल्शियम एंड मैग्नेशियम बाई कार्बोनेट इज हीटेड बाइकार्बोनेट कार्बोनेट डिकम्पोज एंड फॉर्म इनसल्यूबल कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड ठीक है ऑन फिल्टरिंग सच वाटर सॉफ्ट वाटर इज ऑप्टेन द हार्डनेस विच कैन बी रिमूवड बाय बॉइलिंग इज रेफर्ड एज टेम्पररी हार्डनेस ऑफ बाय कार्बोनेट हार्डनेस तो हमें इसमें से क्या समझ में आया देखो जैसे मैंने आपको बताया कि कैल्शियम और मैग्नेशियम ये जब प्रेजेंट होगा ठीक है ये जो मिनरल्स हैं ये अगर हमारे वाटर में प्रेजेंट होंगे तो कोई ना कोई टाइप की हार्डनेस होगी लेकिन अगर हमारे पास कैल्शियम बाय कार्बोनेट और मैग्नेशियम

तो जब बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा तो वो क्या फॉर्म करता है तो इन सल्यूबल कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है टेम्पररी हार्डनेस का तो बेसिकली क्या होता है जैसे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नेशियम बाइकार्बोनेट हमारे वाटर में प्रेजेंट होंगे एज रिप्रेजेंटिंग टेम्पररी हार्डनेस तो जब हम उसे हीट करेंगे अप करेंगे दैट टाइम बाई जो है वो डिकम्पोज हो जाता है एंड इट फॉर्म्स इनसल्यूबल कार्बोनेट और एंड हाइड्रोक्साइड ठीक है तो इन कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड जो है हमें मिलता है तो ये होता है एकदम मतलब इंपॉर्टेंट uh, डेफिनेशन जो हम टेम्पररी हार्डनेस के बारे में समझ सकते हैं एंड जैसे कि अब ये इनसेल्यूबल कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड है तो ये इनसेल्यूबल वर्ड से हमें क्या समझ में आएगा कि ये जो है सेपरेट होता जाएगा वाटर से या फिर नीचे हम कह सकते हैं कि वो पाइलअप uh, होने लगेगा हमारे वाटर के अंदर तो जस्ट बाय फिल्टरिंग ओनली हमें जो वाटर है वो सॉफ्ट वाटर हमें मिल जाएगा यानी जो हार्डनेस है उस वाटर की वो रिमूव हो जाएगी सो ऑन फिल्टरिंग सच अ वाटर सॉफ्ट वाटर इज ऑप्टेन्ड ठीक है अब यहाँ पर बेसिक्स लिखा हुआ है कि द हार्डनेस विच कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग इज रेफर्ड एज टेम्पररी हार्डनेस और बाय कार्बोनेट हार्डनेस अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि टेम्पररी हार्डनेस को कार्बोनेट हार्डनेस और अल्कलाइन हार्डनेस भी बोला जाता है तो वैसे ही बायकार्बोनेट हार्डनेस भी बोला जाता है विथ रेफरेंस टू टेम्पररी हार्डनेस चलो अब यहाँ पर है कुछ एग्जाम्पल्स जिसके वजह से मतलब हम इनके हेल्प से टेम्पररी हार्डनेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाते हैं बाई गिविंग रीजन ऑल्सो ठीक है कहाँ कहाँ बाय कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है इनसोल्यूबल कार्बो कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड्स आर फॉर्मिंग सो वो सारी चीजें इन एग्जाम्पल से क्लियर हो जाती है सो वेन एवर शॉर्ट नोट इज देर एंड वेन एवर योर आंसर ऑफ टेम्पररी हार्डनेस इज देयर सो नोट डाउन दिस थिंग यू हैव टू राइट दीज रियक्शन तो चलो एक एक, एक करके एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको वट आर द एग्जाम्पल्स फर्स्ट है कैल्शियम बाई कार्बोनेट का रिएक्शन तो ऑफकोर्स ये जो कैल्शियम बाई कार्बोनेट है ये हमारे वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा ठीक है तभी तो वो टेम्पररी हार्डनेस को प्रोमोट कर रहा है तो जो ये कैल्शियम इनिशियल फॉर्म में क्या होगा हमारा वाटर होगा विच कंटेन्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट नाउ वी आर हीटिंग इट ठीक है बॉइल कर रहे हैं हम तो रिएक्शन ऑन हीटिंग हमें क्या मिलता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है ठीक है तो ये जो कैल्शियम बाई है ये डिकम्पोज हो जाएगा तो हमें रिजल्टन प्रोडक्ट्स में मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट एज अ सॉलिड ठीक है तो आप देख सकते हो उसको हमने प्रेसिपिटेट का फॉर्म दिया है तो कैल्शियम कार्बोनेट एज अ सॉलिड प्रेसिपिटेट हमें मिलेगा वाटर मिलेगा एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठीक है तो यह है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन तो इधर हमें समझ में आया क्या कि हमारा जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो डिकम्पोज हो गया है एंड क्या हमें मिला है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट और फिर वाटर मिल गया है एंड विद रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठीक है सिंपल है उसके बाद सेकेंड आप रिएक्शन देख सकते हो मैग्नेशियम बायकार्बोनेट रिएक्शन तो इनिशियल फॉर्म में अगेन ये वाटर में प्रेजेंट होगा सो वॉटर विद मैग्नेशियम बायकार्बोनेट हम बोल सकते हैं इनिशियल फॉर्म फिर रिएक्शन ऑन हीटिंग में हमें मिलेगा क्या सेम थिंग मैग्नेशियम बायकार्बोनेट ब्रेक्स डाउन ठीक है अब रिजल्ट कार्बोनेट मिलेगा, तो तो मिलेगा या हमें इनसे तो वैसे ही हमें ऊपर जो है कार्बोनेट मिला था फर्स्ट रिएक्शन में अब सेकेंड रिएक्शन में आप देख सकते हो हमें क्या मिला है हाइड्रोक्साइड मिला है ठीक है तो यही आ, आपको याद रखना है एंड कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड यही जो है रिजल्ट में फॉर्म होते हैं ठीक है चलिए एंड उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो गई है तो ये है रिजल्ट एंड प्रोडक्ट अब लास्ट रिएक्शन आप देख सकते हो जिसमें है मैग्नेशियम कार्बोनेट का रिएक्शन तो मैग्नेशियम कार्बोनेट ऑफकोर्स जो इनिशियल फॉर्म है वो वाटर में प्रेजेंट होगा वाटर कंटेनिंग मैग्नेशियम कार्बोनेट देन रिएक्शन ऑन हीटिंग से हमें क्या मिलेगा कि ये जो मैग्नेशियम कार्बोनेट है अब ये ट्रांसफॉर्म होगा क्यों ट्रांसफॉर्म होगा यहाँ पर हमने मैंने ब्रेक डाउन या फिर मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला कि डिकम्पोज होगा इसलिए नहीं बोला क्योंकि कार्बोनेट है बाई कार्बोनेट जब होगा तब हम ये वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं लाइक डिकम्पोज एंड ब्रेक डाउन बट अगर यहाँ पर कार्बोनेट है तो वी विल यूज़ द वर्ड दैट इज़ ट्रांसफॉर्म ठीक है तो यहाँ पर मैग्नेशियम कार्बोनेट ट्रांसफॉर्म होगा एंड रिजल्टन प्रोडक्ट के अंदर हमें मिलेगा मैग्नेशियम हाइड्रॉक्साइड एज अ सॉलिड प्रेसिपिटेड एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाईऑक्साइड गैस जब भी हाइड्रोक्साइड मिल रहा है ऐसे ट्रिक्स से आप रिएक्शंस याद रखिए जब जब हमें हाइड्रोक्साइड मिल रहा है हमें वाटर नहीं मिल रहा है एंड जैसे ही हमें कार्बोनेट uh, मिल रहा है तो वाटर भी है उधर प्रेजेंट सो दिस इज हाउ यू कैन कीप दीज रिएक्शंस इन माइंड एंड इट इज़ वेरी वेल इफेक्टिव इफ यू राइट दीज थिंग्स इन योर शॉर्ट नोट्स एंड ऑल ठीक है तो यहाँ तक तो हमारा जो टेम्पररी हार्डनेस है वो कंप्लीट होता है आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है तो जस्ट आप ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक बार अच्छे से याद कर लेना एंड देन रिएक्शन एज वेल चलो अब ये रिएक्शन से हमें क्या समझ में आया अगर मैं आपको समराइज करके बताऊँ तो इन ऑल दिस थिंग्स क्या है कॉमन थीम क्या है अगर हम वाटर को हीट कर रहे हैं विद बाय कार्बोनेट्स सो वॉट इज फॉर्मिंग जस्ट एक कॉमन थीम अगर मैं एज अ आपको बताऊं तो फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड प्रेसिपिटेट इट टेकिंग्बोनेट या मैग्नेशियम हाइड्रोसाइडेंशन ऑन वॉट इज दर इन रिजल्ट अटेंशन ऑन देअर सो कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है या फिर मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है एंड वॉट इज देर कॉमन इट इज लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइ गैस ठीक है सो दिस प्रोसेस हेल्प इन वॉट इट रिड्यूसिंग द हार्डनेस ऑफ वॉटर ऐसे हम हार्डनेस को रिड्यूस कर सकते हैं एंड हार्ड वॉटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट बाय बॉइलिंग और हीटिंग अप द वाटर ठीक है सो दिस विल मेक अ वाटर मोर सुटेबल फॉर वेरियस एप्लीकेशन ठीक है तो ये हो जाता है टेम्पररी हार्डनेस के बारे में चलिए अब देखते हैं वॉट इज परमानेंट हार्डनेस तो यहाँ पर भी मैं आपको सेम कहूंगी जो फर्स्ट जो पॉइंट है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड एज अ डेफिनेशन फॉर परमानेंट हार्डनेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो द टर्म परमानेंट हार्डनेस द टर्म अप्लाइड टू हार्डनेस कॉज्ड बाय डिजॉल्व क्लोराइड्स नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नेशियम तो यहां पर जैसे देखो मैंने आपको बताया था हार्डनेस के लिए कौन से दो कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट हैं दैट इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अगर वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में है देन टेम्पररी हार्डनेस होगा एंड जब क्लोराइड्स नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट है देन इट इज परमानेंट हार्डनेस तो आपको ये तीन जिन वर्ड्स है ना ये आपको याद रखना है दैट इज डिजोल्व क्लोराइड्स नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम तो आप कहीं भी देखो आपको सेम डेफिनेशन मिलेगा एंड ये तीन वर्ड्स जो है ये हमेशा इंक्लूडेड बिकॉज दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस तो आपको कैसे याद रखना बाइकार्बोनेट एंड मैग्नेशियम ठीक है, यहां पर है तो ये एज अ डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट कैन नॉट बी रिमूवड बाय बॉइलिंग द वॉटर सैंपल तो ये मैंने एकदम बेसिक में ही आपको बता दिया था जो बेसिक डिफरेंस है टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस का सो so, बॉइल uh, करके सिंपली हार्डनेस रिमूव नहीं हो पाती है एंड कुछ ना कुछ हमें प्रोसेस करना पड़ता है सो द सेम यहाँ पर आपको मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोडा लाइम प्रोसेस इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस तो कौन सा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है वो है सोडा लाइम प्रोसेस तो सोडा लाइन प्रोसेस इज यूज ठीक है तो आप जब शॉर्ट नोट लिखेंगे या जो भी आप थेरी लिखेंगे अपने एग्जाम्स में तब आपको सिर्फ प्रोसेस जो है ना वो ही मैंशन करना है लाइक यहाँ पर जैसे सोडा लाइन प्रोसेस है एंड अगर कोई ना कोई मतलब ईगर होता है कि सोडा लाइन प्रोसेस क्या है तो आई विल से लाइक बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी एक्सप्लेन करूंगी वॉट इज सोडा लाइन प्रोसेस तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाई वेस्टिंग अ टाइम सो so, ये जो सोडा लाइन प्रोसेस है इनिशियली हमारा हार्ड वाटर होता है ऑफ कोर्स तो जो हार्ड वाटर है उसमें से जो हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस है वो हमें रिमूव करनी है दैट देन ओनली वी आर यूजिंग दिसल सोडा लाइन प्रोसेस राइट सो जो ये इनिशियल हार्ड वाटर है इसमें क्या होता है इट बिगिनस विथ हार्ड वाटर कंटेनिंग वॉट डिजोल्व सॉल्ट लाइक जैसे मैंने आपको बताया अभी कैल्शियम एंड मैग्नेशियम क्लोराइड्स नाइट्रेट्स एंड सल्फर तो ये जो डिजोल्ड सॉल्टस uh, है ना क्लोराइड्स नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैगनीशियम ये तो प्रेजेंट ही होंगे इनिशियली देन

एंड कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लाइम भी बोलते हैं ठीक है तो बस ये दोनों का जो मिक्सचर होता है इसी इसी को हम सोडा लाइम बोलते हैं दैट इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेन एल से एंड कैल्शियम ऑक्साइड ठीक है तो ये जो है ऐड करा जाता है उस हार्ड वाटर के अंदर जिसमें कौन से सॉल्व प्रेजेंट है रिमेंबर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड्स नाइट्रेट्स और सल्फेट्स ठीक है अब जब हमने ऐड कर दिया हमारा सोडा लाइम उसके अंदर तो क्या होगा कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस जो है उसके अंदर होंगी तो वो केमिकल रिएक्शंस कौन सी होंगी देखो पहले तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस प्रेजेंट होंगे हमारे वाटर के अंदर वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे मिक्सचर ऑफ सोडा लाइम के अंदर प्रेजेंट है ना मैंने आपको बता दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड ये दो चीज़ें हमारी प्रेजेंट है सोडा लाइम के अंदर तो जो उसके सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना उसके साथ क्या रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम और मैग्नेशियम के आयन्स रिएक्ट करेंगे ठीक है और क्या फॉर्म होगा जब ये रिएक्ट करेंगे तो इन सल्यूबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा किसका फॉर्म होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड तो समझ में आया सिंपली क्या हुआ हमारे कैल्शियम और मैग्नेशियम के जो आयंस है वो किससे रिएक्ट करें सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करें और हमें इनसल्यूबल प्रेसिपिटेट मिला किसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड का ठीक है अगर आप मेरे वर्ड्स पर फोकस करेंगे तो बहुत सिंपली आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली हो क्या रहा है ठीक है अब जो केमिकल रिएक्शन है ये रिजल्ट इन रिमूवल ऑफ दिस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस फ्रॉम वाटर जैसे ही केमिकल रिएक्शन में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस ने रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स में यानी कि हम कह सकते हैं इनसल्यूबल प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लिया इसका मतलब क्या कि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो है हमारे वाटर में से वो रिमूव हो गए है ना तो सिंपली क्या होगा प्रेसिपिटेशन और फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस लाइक अब क्या करेंगे हम इनको फिल्टर करेंगे प्रेसिपिटेट करेंगे पहले बिकॉज फ्रॉम प्रेसिपिटेशन इट विल सेटल डाउन एंड आफ्टरवर्ड्स वाटर को फिल्टर करेंगे एंड जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे एंड आर वाटर इज नाउ रिजल्टिंग इन सॉफ्ट वाटर है ना बहुत सिंपल है सो दिस वाटर नाउ इज नाउ फ्री फ्राम कैल्लियम एंड मैग्नीशियम आयन्स तो इसी वजह से इट बिकम सॉफ्टर एंड वी कैन यूज इट इन वेरियस एप्लीकेशन सो अगर आपको समझ में आ गया है सोडा लाइन प्रोसेस कितना सिंपल है लेकिन इतना आपको नहीं लिखना है जस्ट आपको प्रोसेस जो है वो मैंशन करनी है जैसे मैंने अपने नोट्स के अंदर मैंशन करी है ठीक है तो यह हो जाता है परमानेंट हार्डनेस सो आई होप आपको टेम्पररी परमानेंट हार्डनेस बहुत ईजिली समझ में में आ गई होगी चलो अब डिफरेंस के हेल्प से हम समराइज करते हैं अपनी टेंपररी और परमानेंट हार्ड डिस्क को तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको ये समझना चाहिए तो जैसे कि मैंने आपको वर्ड्स बताए थे कौन से कौन से डिफरेंट वर्ड्स होते हैं तो वो भी आप एज अ डिफरेंस मेंशन कर सकते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्पररी हार्डनेस को हम अल्कालाइन हार्डनेस भी बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस को नॉन अल्कालाइन हार्डनेस भी बोलते हैं देन टेम्पररी हार्डनेस के अंदर जैसे ही मैंने आपको देखो बहुत ज़्यादा मैंने डिफरेंस ले लेकर एक्सप्लेन किया है सो so दैट कि आपके माइंड में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना रहे कोई भी चीज़ की ठीक है तो बस आपको वैसे ही भी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ टेम्पररी और परमानेंट के बीच में तो देखो अब डिफरेंस में सेकंड पॉइंट क्या है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो मिनरल्स तो वही है कैल्शियम और मैग्नेशियम लेकिन ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होना चाहिए temporary के अंदर कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ग्रुप एंड परमानेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए नाइट्रेट कैल्शियम मैग्नेशियम एंड क्लोराइड ग्रुप या फिर जो मैंने डेफिनेशन में सिंपली मैंशन करे हैं वही याद करे होंगे तो सिंपली वही आप लिख सकते हो एंड थर्ड पॉइंट इट कैन इजिली रिमूव बाय बॉइलिंग एंड फिल्टर श मेथड एंड यहां पर इट कैन नॉट बी इजीली रिमूवड बाय बॉइलिंग एंड फिल्ट्रेशन मेथड देन यहां पर क्या होता है टेम्पररी के अंदर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ग्रुप्स डिकम्पोज होते हैं और परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव यूजिंग सोडा सोडालाइन प्रोसेस तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये आपको मेंशन करना इंपॉर्टेंट है वैसे ही टोटल हार्डनेस क्या होती है देखो टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज नथिंग बट एडिशन ऑफ वॉट टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस आपको टोटल हार्डनेस मिल जाएगी आई थिंक बहुत ज्यादा क्लियर हो गई है अब ये हार्डनेस वाला टॉपिक चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां पर क्या है गिव रीजन टाइप जो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्योंकि ये पूछा जा सकता है तो टू मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है वाई नॉट वी कैन रीड इट जस्ट टू लाइन्स क्वेश्चन है क्या है देखो हार्डनेस इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड यूजिंग अ कॉमन केमिकल दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट बिकॉज हमेशा हार्डनेस को हम कैल्शियम कार्बोनेट से क्यों डिनोट करते हैं क्यों एक्सप्रेस आ, करते हैं ये क्वेश्चन है वाई गिव रीजन सो इसके अंदर देखो क्या आपको रीजन दिया है फर्स्ट इट हैज अ वेरी कन्वीनियंट मॉलिक्यूलर वेट अब मॉलिक्यूलर वेट आप फाइंड आउट कर सकते हो बहुत इजी होता है आपको कैल्शियम का एटॉमिक मास कार्बन का देन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता हो सो यू कैन कैलकुलेट मॉलिकुलर वेट एंड इट विल कम इक्वल टू व्हाट हंड्रेड ठीक है तो ये जो हंड्रेड है ये बहुत कन्वीनियंट मॉलिकुलर वेट है एंड इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मोलिकुलर वेट का हाफ होता है इन दिस केस तो यहाँ पर हमें वो फिफ्टी मिल जाएगा तो जो दोनों हमारे मॉलिकुलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट ये क्या है कन्वीनियंट वैल्यूज़ हैं इसी वजह से ये जो है एक कन्वीनियंट सोर्स हम कह सकते हैं जिसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं फॉर हार्डनेस एंड इट इज़ इन सल्यूबल इन वाटर एज वेल ठीक है तो इन सल्यूबल इन वाटर ये भी एक रीज़न हो जाता है अब जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि हम यूनिट्स ऑफ हार्डनेस को जो है स्टडी करेंगे ठीक है तो और जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो भी मैं आपको बताऊँगी तो जो है यहाँ पर मैंने पाँच यूनिट्स को समराइज़ किया है किसके हार्डनेस के तो आप देख सकते हो पहला है मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट तो इसमें क्या होता है मतलब इट टेल्स यू हाउ मेनी मिलीग्राम्स ऑफ व्हाट कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ वाटर ठीक है वन लीटर ऑफ वाटर के अंदर कितने मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है तो इट इज यूजफुल फॉर वॉट प्री मेजरमेंट और वी कैन से साइंटिफिक एनालिसिस तो जस्ट प्री अगर हमें मेजर करना है दैट टाइम वी विल यूज दिस टाइप ऑफ यूनिट सेकेंड आप देख सकते हो पार्ट्स पर मिलियन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट अब ये हमने सुना हुआ है तो इसमें क्या होता है इट इज सिमिलर टू मिलीग्राम पर लीटर बट इट इज एक्सप्रेस्ड एज पार्ट पर मिलियन इट इज यूजफुल वेन डीलिंग विद वेरी स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन जब आप बहुत स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन से डील कर रहे हो दैट टाइम इट इज कॉमनली यूज इन वाटर क्वालिटी एज वेल ठीक है देन वी हैव पार्ट्स पर बिलियन जैसे मिलियन था वैसे ही बिलियन है पी पी बी ऐसे हम इसको डिनोट करेंगे एंड पी पी एम पार्ट्स पर मिलियन ठीक है तो जो पी पी बी है कैल्शियम कार्बोनेट इक्वी वैलेंट इट इज़ फॉर इवन फाइनर मेजरमेंट यानी कि अगर उससे भी छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है दैट टाइम वी विल यूज दिस एंड इट इज़ यूज फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्डनेस जब बहुत लो होगी जब भी हमारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्डनेस जो है वो एक्सट्रीमली लो लेवल पर होगी दैट टाइम दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट इज यूज एंड स्पेशली इट इज़ रेलिवेंट इन

ठीक है तो ये होता है क्लास डिग्री का एंड इस ये क्या हेल्प करता है तो जस्ट हेल्प्स इन कैटेगराइजिंग द ओवरऑल हार्डनेस लेवल सो इट इज ऑफन यूज इन वेरियस स्टडीज एंड आल्सो जस्ट आप अभी के लिए सिर्फ यूनिट याद रखिए एंड देन वी हैव डिग्री फ्रांच तो ये डिग्री फ्रांच भी एक ही है अगेन यूज टू मेजर वॉट वाटर हार्डनेस ओनली तो इसमें आप क्या बोल सकते हो इट रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड सी ए इन वाटर ठीक है तो जस्ट आप इतना याद रख सकते हो एंड इट इज अगेन इक्वल इकवी वैलेंट टू वन मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड पर लीटर ऑफ वॉटर तो जब कैल्शियम ऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हमें चाहिए होगा डिटरमाइन करना होगा दैट टाइम वी विल यूज डिग्री फ्रेंच ओवर देयर बट यस हम स्टैंडर्ड यूनिट पर आएंगे जो कि हमें पूरे यूनिट में यूज करना है एंड यस इट इट इज 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 स्टैंडर्ड वन सो एवरीवेयर दैट मिलीग्राम लीटर कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू वन पी पी एम दैट इज पार्ट्स पर मिलियम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट तो हमें वन पी पी एम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ये जो है यूनिट को यूज करना है ठीक है सो आई होप आपको यूनिट्स की भी जो है यहां पर मिल गई होगी नाउ कमिंग टू दूसरा जिसके ऊपर हमें भी देखने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें हमें क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स यानी कि जितना भी हम सल्यूट ऐड कर रहे हैं ना इन टर्मस मिली मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे करेंगे इक्वल्स टू मिली ऑफ केमिकल इन टू ठीक है अपॉन इक्वी बैलेंड वेट ऑफ केमिकल तो ये जो है हमें ऐसा आप फॉर्मूला याद रख लीजिए चलिए जल्दी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर ताकि हम फॉर्मूला ना भूल जाएं तो इसमें पहली बात तो देखो क्वेश्चन किस टाइप में आएगा तो आपको हार्डनेस जो है ये फाइंड आउट करने बोली जाएगी सो वाटर सैंपल कंटेन्स 16.2 पॉइंट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट 36 थर्टी मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट 27.2 सेवन मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड 2 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट नाउ योर थ्री थिंग्स आर आज टूअर्स फाइंड टेम्पररी हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस एंड टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल तो हमें एक टेबल बना बना लेना है जिसमें हमें मोलिकुलर वेट और इक्वी वेट हम उसके अंदर लिख सकें ताकि इसको हमें फॉर्मूले के अंदर पूरा लिखना है तो जैसे कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 16.2 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम बाय कार्बोनेट एंड जो भी वैल्यूज दिएम सेम टू सेम वहाँ से उठा के मैंने यहाँ लिखा है एंड मोलिकुलर वेट और इक्वी वेट जो है मैंने फाइंड आउट कर लिया है तो अगर आपको मोलिकुलर वेट फाइंड आउट करने नहीं आता है तो आपको पहले तो एटोमिक मास जानना होगा सबका यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो कैल्शियम का क्या होगा फोर्टी ठीक है अगर मोर प्रिसाइज़ली देखने जाएँ तो 40.08 होता है हाइड्रोजन का 1.01 होता है कार्बन का भी 12.01 होता है तो वैसे हमें पॉइंट में नहीं लेना है फॉर न्यूमेरिकल्स वी जस्ट वांट होल वैल्यूज़ तो यहाँ पर सिर्फ आप कैल्शियम के लिए क्या लोगे तो 40 फिर प्लस करेंगे टू टाइम्स ऑफ वॉट हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास ट्वाइस हाइड्रोजन है ठीक है आप देखो तो टोटल तो वो इसलिए हमने ट्वाइस जो आप बाहर ले लो देन वन आपको हाइड्रोजन के लिए लेना है प्लस ट्वेल्व आपको कार्बन के लिए लेना है एंड सिक्सटीन फॉर ऑक्सीजन लेना है एंड वैल्यूज को कैलकुलेट करके आपको मिल जाएगा वन सिक्सटी टू वन सिक्सटी टू क्या मोलिकुलर वे ठीक है तो अगर मोर प्रिसाइजली अगेन मैं आपको बताऊं तो मोलिकुलर वेट होता है 162.10 ग्राम्स पर मोल बट यहाँ पर हमें सिर्फ होल वैल्यू को कंसिडर करना है डोंट कंसिडर पॉइंट तो मोलिकुलर वेट वन सिक्सटी टू मिला और इक्वी वेट क्या होगा यहाँ पर मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई

और आपको सल्फर का है थर्टी टू ऑक्सीजन का अगेन सिक्सटीन ठीक है तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा देखिए आपको कैसे ऐड करना है पहले तो मैग मैग्नेशियम है तो ट्वेंटी फोर प्लस थर्टी टू फॉर सल्फर प्लस फोर टाइम्स सिक्सटीन बिकॉज फोर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट ना सो देन यू विल गेट वन ट्वेंटी एज मोलिकुलर वेट एंड जो आपका इक्विवेलेंट वेट है ऐसे यहाँ पर मैग्नेशियम की जो वैलेंसी है वो टू है तो अगेन आपको डिवाइड करना पड़ेगा मोलिकुलर वेट को टू से तो आपको इक्वैलेंट वेट मिल जाएगा सिक्सटी ठीक है सिमिलरली 27.2 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट बोला है तो अब तो आपको पता ही होगा कैल्शियम का 40 है सल्फर का अगेन 32 एंड ऑक्सीजन अगेन 16 तो so, आपको क्या मिलेगा 136 मिलेगा कैल्शियम सल्फेट का अगेन आपको क्या करना है हमारे कैल्शियम की भी वैलेंसी टू होती है सो यू विल गेट बैलेंट वेट हाफ ऑफ मॉलिकुलर वेट दैट इज सिक्सटी देन एट लास्ट टू मिलीग्राम ऑफ मैग्नेशियम कार्बोनेट सो आपको अगेन मैग्नेशियम का है ट्वेंटी कार्बन का ट्वेल्व ऑक्सीजन का सिक्सटीन तो मोलिकुलर वेट जो आपको मिलेगा एटी फोर मिलेगा एंड इक्विवेलेंट वेट अगेन आप जो इसको डिवाइड uh, करेंगे टू से सो अगेन यू विल गेट फोर्टी टू ठीक है तो ये जो है सिंपली कैलकुलशन है आपको आने चाहिए एंड अब जैसे कि हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था ठीक है तो अभी सिंपली एक टेबल के अंदर देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा एज हमें टाइप भी आइडेंटिफाई करना है तो so, केमिकल्स हम फर्स्ट uh, कॉलम में लिख लेते हैं दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम कार्बोनेट देन क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स जो भी क्वांटिटी हमें मिलीग्राम्स के अंदर गिवन है वो हमें यहां पर मेंशन करनी है देन एज अ फॉर्मूला वी हैव द वैल्यू वी विल गेट ऑल द वैल्यूज इन पीपीएम कैल्शियम कार्बोनेट तो हमें क्या मिलेगा अब देखो फॉर्मूला क्या था हमें मिलीग्राम में जो भी वैल्यू दी होगी वो इंटू फिफ्टी पॉन इक्वी वेट तो इसीलिए हमने इक्वी वेट फाइंड आउट करा था ठीक है तो सिक्सटीन पॉइंट वन वैल्यू है रिमेंबर मिलीग्राम्स में होनी चाहिए इनटू 50 एज इट इज अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाज 81 कैलकुलेट करिए कैल्शियम वैल्यूज डाली आपको मिल जाएगा 10 ठीक है अब सिमिलरली आप नीचे कर सकते हो ठीक है बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस है तो अब देखो जिसमें बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट प्रेजेंट है वो केमिकल्स किस टाइप के हार्डनेस को रिप्रेजेंट करेंगे टेम्पररी हार्डनेस को रिप्रेजेंट करेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सल्फेट प्रेजेंट है तो इट विल रिप्रेजेंट परमानेंट हार्डनेस ठीक है सिंपली आप ऐसे टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड जो ये हमारे पास वैल्यू आई है तो आप क्या करेंगे टेम्पररी हार्डनेस के एक तो हमारे पास कैल्शियम बाई है जिसकी वैल्यू आई है टेन पार्ट्स पर मिलियन कैल्शियम कार्बोनेट इक्वी एंड मैग्नेशियम कार्बोनेट टू पॉइंट को एड कर देना है, लिखना है like आप लिख सकते हो. 20, तो आपको फिफ्टी मिल जाएगी एंड टोटल हार्डनेस भी पूछा है तो सब एड करके यू विल गेट सिक्सटी टू पॉइंट पर मिलियन सो आई होप आपको न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एंडिया yes, इसी टाइप जो है न्यूमेरिकल इस टॉपिक पर आ जाता है तो चलिए आगे और भी टॉपिक्स हैं तो ये टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं न्यूमेरिकल्स भी रखे हुए हैं ठीक है तो बस अब यहाँ पर हम एंड करते हैं लेक्चर नंबर वन को बेसिक ही रखेंगे लेक्चर नंबर वन फॉर दोस्त जिनको बेसिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्चुअल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सो बस ये जो वीडियो है इसके अंदर मैंने सिर्फ हार्डनेस को डेडिकेट किया है इसके आगे हम देखेंगे डेडिकेशन के साथ जो भी हमारी मतलब हार्डनेस को डिटरमाइन करते हैं हम बाई यूजिंग एडिट ये एंड ऑल तो उसके साथ बहुत न्यूमेरिकल्स भी हैं पी वाई क्यू भी मैं आपके साथ लूंगी एंड सम इक्वेशंस भी हैं जो मैं आपको मतलब आगे शेयर करूंगी तो जस्ट इसके आगे कुछ ज्यादा नहीं है येस yes, uh, मतलब हार्डनेस रिलेटेड आगे जो है हमारे पास और थेरेटिकल चैप्टर है तो बस आप समझ लीजिए मतलब आपका ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट इसके अंदर कवर हो गया है एंड जितना दिया है मैंने इस लेक्चर के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए ज़्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए नोट्स चाहिए तो आप मेबरशिप ले लीजिए आपको परफेक्ट नोट्स जो है मैं रेगुलरली प्रोवाइड करती रहूँगी परफेक्ट जो आपको हर वीडियो के अंदर आपको जो भी नोट्स होंगे वो सब आपको मिल जाएंगे पी फॉर्म के अंदर तो आपको कहीं और से लेने की नोट्स जरूरत नहीं होगी एंड

अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इस वीडियो को इस चैनल को एंड टी द टाइम थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग बाय